अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमन खान यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है अंडों का हलवा। ये पर रेसिपी बहुत ही इजी है और आप लोग जो है इसे मीठे में इजीली 15 से 20 मिनट में रेडी कर सकते हैं। अंडों का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे 4 अंडे। अंडों को तोड़ के और एक बॉल पे निकाल लेंगे। अब जो है हम अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम जो था वो मैंने ऑन कर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास दूध। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे अंडों का बैटर जो हम लोगों ने भी रेडी किया था। अब हम लोग इसे मिक्स करेंगे। लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। ये दूसरा स्पून डाल दिया मैंने चीनी का। इसे मिक्स करेंगे। अब हम लोग जो है इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड करेंगे, कलर। इससे जो है ये अंडों का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। हम लोगों ने जो है इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है, आप लोग इसे जर्दे का रंग भी कह सकते हैं। शुगर ऐड हम लोग करेंगे 2 टेबलस्पून। उन्हें जो है इसके अंदर चम्मच मुसलसल नहीं चलाना है। अगर आप लोग मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे तो इसके अंदर हम लोगों ने जो दूध ऐड किया है और जो शुगर ऐड किया है उसका जो पानी है ये देखें, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। कि आप लोगों ने इसके अंदर जो है चम्मच सिर्फ उन्हें थोड़ी थोड़ी देर से चलाना है ताकि इसका जो बैठ गया हमारा हलवा है ये नीचे ना लगे। टोटल जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड किया। आप लोग चाहें तो आप लोग एक साथ भी डाल सकते हैं, ये जिस तरह से मैंने ऐड किया है इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है। अब लोग हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ घी। तो हम इसे अच्छे से भूनेंगे। 5 से 10 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम लोग इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। मैं जो है वो इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा रही हूँ। और बादाम डाल रही हूँ। आप लोगों को जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप लोग वो डाल लें। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अमन खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि जब आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करी तो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।